और लोक दल से हम लोग साथ काम किए, इसलिए हम अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो हम लोग का तो रोज मिलना जुलना होता ही रहेगा। आपको मिलना जुलना होता रहेगा, लेकिन कई विरोधी बोल रहे हैं ये बात कि उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह में तलखियां आ गई हैं, ललन सिंह अध्यक्ष बन के विरोधी बोल रहे हैं। विरोधी का काम ही यही है बिना जमीन के पौधा उगा, जमीन कहीं है हमने और कोई अंतर नहीं। लेकिन ये दूसरी मुलाकात है, अध्यक्ष बनने के पहले भी आप दूसरी बात दूसरी कर रहे हैं, इधर हाल या तो हर हफ्ते हर रोज मुलाकात, जब अध्यक्ष नहीं थे उसके पहले भी पटना आवास पे आपने जाकर मुलाकात की थी, और इस मुलाकात दोनों में क्या मतलब क्या निकाला जाए? मतलब इसमें क्या निकलना जी, हम तो आपको बताए हमारे मित्र है, सहयोगी है, साथी है, और आज के नहीं है जी, लोक दल के समता पार्टी के पहले से लोक दल में हम लोग युवा लोक दल में साथ राजनीति करते थे। ये साथ दूसरों को रास नहीं आ रहा है, लेकिन मत आवे अब क्या करिएगा, अगर किसी के छाती पर सांप लौट रहा है तो उसमें हम क्या करें। सर एक सवाल और था, जिस तरह से आप तो मिलने यहाँ पर आ गए उपेंद्र कुशवाहा जी से, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहला आपका मुलाकात सर उसको लेकर क्या? पार्टी को हम दोनों को मिल के पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी में का एक नेता है वो नेता है नीतीश कुमार, और हम सबको मिलके पार्टी को मजबूत करना है, और पार्टी मजबूत होगी तो नेता मजबूत होंगे और हम सब मजबूत। सर आज कुछ मुलाकात से अलग कितनी बार हम लोगों की मुलाकात होती है इसकी खबर आप लोगों को नहीं रहती है ना, इसलिए आप लोगों को लगता है कि आज मुलाकात हुई। हम लोगों की ऐसी मुलाकात अक्सर होते रहती है, इनके घर पर भी हम जाते हैं, हमारे यहाँ भी कभी कभी आते हैं, तो मुलाकात चलते रहती है, कभी कभी आप लोग देखते हैं इसलिए ऐसी बात करते। लेकिन इस मुलाकात का कुछ खास मतलब ही निकाला जा रहा है? देखिए पार्टी है, हम लोग एक साथी हैं, तो काम पार्टी के लिए नीतीश कुमार जी को मजबूत करने के लिए करते रहते हैं, उसी क्रम में मुलाकात होते रहती है, कोई व्यक्तिगत मुलाकात, पार्टी के लिए मुलाकात, आज की मुलाकात को कोई अलग नजर से देखा जाए इसकी कहां कोई। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जरूर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हैं, और वो अगर आपके पास पहुंचे, अभी पार्लियामेंट्री संसदीय बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं, तो इन दोनों की मुलाकात होना और पार्टी को लेकर बात करना निश्चित तौर पर कई मायने इसके निकाले जाएंगे। और इसका मायने सीधा है कि पार्टी की मजबूती के लिए हर क्षण सोते जागते उठते बैठते हम लोग काम कर रहे हैं, बस यही मतलब है। कोई लक्ष्य भी आप लोगों ने निर्धारित किया आगे चलकर पार्टी को किस मुकाम पर ले जाना? उसके लिए तो हम लोग बार बार कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा और हम भी कहते रहे हैं पहले से भी कि नंबर वन की पार्टी बिहार में जेडीयू को बनाना है, लक्ष्य तो यही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में नंबर वन की पार्टी बनाना। उपेंद्र जी आपने कहा था कि ये घर ऐसा है जहाँ पर अब घर में ही युद्ध होने वाला है, और तेज प्रताप ने तेजस्वी को वोटों को हटा दिया है। अब देखिए ये उनका घर का मामला है, अब उनके घर के मामला में फिर हम लोगों को कहाँ ला रहे हैं जी। तो सर एक सवाल आपसे, सर पार्टी को एक नंबर बनाने की बात उपेंद्र जी कहते हैं और आप भी कहते हैं, कितने दिनों में? पार्टी तो आपको लक्ष्य बता दिए ना, 2010 का विधानसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा, तभी ना पता चलेगा आपको कि हम कहाँ हैं। तो साफ तौर पे उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह ने यह संदेश दिया, हम जो हैं वो एक हैं और कोई भी